हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज हम बात करेंगे सीएसआईआर नेट जून 2020 के रिजल्ट और कट ऑफ के बारे में। लेकिन उसके साथ ही अपन देखेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस को अपन आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, तीन पात्र दिए गए हैं जो कि बेलन, वर्गीय प्रिज्म और त्रिभुजीय प्रिज्म है। निम्न में से कौन सी एक शर्त यह सुनिश्चित करती है कि तीनों का आयतन बिल्कुल समान होगा। हम जानते हैं कि जो प्रिज्म होता है उसका आयतन कैसे निकलेगा। तो प्रिज्म का आयतन जो है वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यानी कि उनके अगर आयतन समान करना है तो उनका जो बेस है उसका एरिया बिल्कुल समान होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए तीनों का, और उनकी हाइट भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ऑप्शंस में देखें तो पहला ही ऑप्शन अपने को यह मिल जाता है कि उनके आधारों का क्षेत्रफल और उनकी ऊंचाइयाँ अगर एक समान है तो उनका आयतन जो है वो निश्चित रूप से एक समान होगा, इसकी गारंटी है। यानी कि ऑप्शन ए अपना सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 400 मीटर चौड़ी नदी 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से बहती है। बिंदु ए से एक व्यक्ति नदी पार करना चाहती है, यहाँ पे बिंदु ए है, और स्थिर पानी में वह व्यक्ति 20 किमी प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। बिंदु बी दूसरे किनारे पर बिंदु ए के बिल्कुल विपरीत है, और यदि वह व्यक्ति न्यूनतम समय में नदी पार करना चाहता है तो वह बिंदु बी से कितनी दूरी पर दूसरे किनारे पर पहुँचेगा। यानी कि बिंदु ए से अगर बिंदु बी पर व्यक्ति नाव चला के जाएगा तो अगर शांत रहे, ये नदी नहीं चले, बिल्कुल शांत रहे, तो ये बिंदु ए से बिंदु बी पर सीधा पहुंच जाएगा। लेकिन अगर नदी धीरे धीरे बह रही है, यानी कि अपने को क्वेश्चन में देगा 10 किमी पर आर की रफ्तार से नदी का पानी मूव कर रहा है, इसका मतलब ये नाव चलाएगा लेकिन नाव को जो पानी है 10 किमी पर आर की रफ्तार से जो बहता हुआ, वो नाव को जैसे जैसे नाव आगे बढ़ेगी तो धीरे 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 वो बिंदु बी से दूर लेता जाएगा। यानी कि इसकी जो नाव है व्यक्ति की वो सीधी ना जाकर इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब वो कितनी जाएगी और कितनी दूरी पर होगी उसको कैसे देखेंगे, उसको देखते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि नदी की चाल है 10 किमी पर आर और जो व्यक्ति की चाल है वो है 20 किमी पर आर। इसको अपन मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई और इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई, यानी कि जो अपने पास जो फाइनल जो मीटर प्रति सेकंड में चाल जो इसकी नदी की और इसकी जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी, इसको काट लेते हैं 9 बार और ये 5 बार, यानी 25/9 मीटर पर सेकंड की चाल से तो पानी बह रहा है। और जो ये जो व्यक्ति है वो चल रहा है, जो नाव चला रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसको देखते हैं। तो जो 50/9 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो नाव चला रहा है। अब देखते हैं कि 50/9 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चला रहा है तो उसको 400 मीटर, यानी नदी की चौड़ाई अपने को दी गई 400 मीटर, तो उसको 400 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए 400 में 50/9 से डिवाइड करेंगे 400 को, तो 50 तो यहाँ और ये 9 है 50 के नीचे, वो ऊपर चला जाएगा। यानी कि 50 से अगर इसको काटें तो 8 बार ये कट जाएगा, यानी कि 9 × 8 72 सेकेंड उसको नदी पार करने में लगेंगे। 72 सेकेंड उसको नदी पार करने में लग गए। अब लेकिन 72 सेकेंड उसको बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में लगे, लेकिन 72 सेकेंड में जो 10 किमी पर आर की स्पीड से जो पानी बह रहा था नदी का, तो उस नाव को बिंदु बी से कुछ दूरी पर तो लेके जाएगा, लेकिन वो कितनी दूर लेके जाएगा उसकी देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो 72 सेकेंड उसको लगे पूरे इस रास्ते के दौरान, लेकिन 72 सेकेंड वो कितनी दूर पहुंचा, तो पानी की स्पीड क्या थी, 25/9 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि 72 सेकेंड में अगर 1 सेकेंड में 25/9 मीटर पानी चल रहा है दूरी, तो 72 सेकेंड में कितना चलेगा, तो 72 × 25/9 72 × 25/9। इसका मतलब 9 से ये गया 8 बार, 9 से कट जाएगा ये 8 बार, ये 9 से कट गया 8 बार और ये 25 × 8 हो जाएगा 200। यानी कि जब बिंदु ए से कोई व्यक्ति नाव लेकर बिंदु बी तक पहुंचेगा तो वो पानी के बहाव के कारण बिंदु बी से एक 200 मीटर आगे पहुंचेगा। यानी ये जो एक्स का मान या क्वेश्चन मार्क का जो मान होगा ना वो होगा 200 मीटर, यानी अपना ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष बीपी रेडियो कार्बन आयु निर्धारण तकनीक के संदर्भ में इस तरह से परिभाषित है, वर्ष जो बीपी में है उसको निकालने के लिए 1950 में से वर्ष घटाने पड़ेंगे, कौन से वर्ष जो एडी में होंगे, ठीक है। ये अपने पास एक फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया गया है जो ऑलरेडी गिवन है। अब हड़प्पा के स्थल से प्राप्त एक वस्तु की आयु 3050 BC निर्धारित की गई है, ये 3050 BC निर्धारित की गई है, तो उसकी आयु वर्ष अब 3050 BC दे दी और वर्ष बीपी में उसकी आयु पूछी जा रही है क्वेश्चन में, तो इसको कैसे करेंगे। तो अपने अपने को 1950 में से वर्ष एडी वाले वर्ष घटाने हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो बीसी वाले वर्ष दे रखे हैं,
तो इसको एडी में कन्वर्ट करने के लिए अपने को, जैसे अपन अगर बीसी और एडी का ये क्या चक्कर है तो इसको समझते हैं। तो मान लीजिए आज चल रहा है 2020 और ये है एडी में, ये होता है एडी में। तो 2020 चलते चलते आया, तो कहीं ना कहीं पहले अगर पहले जाएं 2020 से 19, 18, 17, तो ऐसे करके 0 आ जाएगा। और अगर उस 0 से भी पहले जाएं तो फिर ये 1, 2, 3, 4, तो ऐसे ही करते करते 3050 तक जब अपन पहुंचेंगे तो ये 1 BC, 2 BC, 3 BC, तो ये 3050 BC आ गया। अब इसमें क्या है कि ये मान लो यहाँ पे 0 AD है। अब 0 AD, अब 3050 BC को AD में अगर कन्वर्ट करें तो ये माइनस में 3050 AD हो गया एक तरीके से। यहाँ से अगर काउंट करें तो ये प्लस 2020 AD है, तो ये माइनस का 3050 AD हो गया। यानी कि अपने को वर्ष जो निकल के आए हैं AD में, वो आए हैं माइनस 3050 AD। ठीक है, अब क्वेश्चंस को आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो ये अब देखिए आप क्वेश्चंस को कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो अपने को वर्ष निकालना है BP में और 1950 में से अपने को घटाना है AD वाले वर्ष जो कि अपन ने अभी निकाले हैं, कितने, माइनस 3050। अब ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बनाए, प्लस हो जाएंगे, और ये जो बीपी की जो फाइनल जो वर्ष निकल के आएंगे, तो 1950 और 3050 जब जुड़ेंगे तो ये 5000 प्लस में ये अपना आंसर बीपी में हो जाएगा। यानी आंसर ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए आयत ABCD में AE, EF और FB त्रिभुज EFC के क्षेत्रफल वह आयत ABCD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब ये आयत दिया गया है और इसमें AE और EF और FB ये तीनों सेगमेंट जो हैं वो बराबर हैं, और त्रिभुज EFC और का क्षेत्रफल और जो आयत का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात पूछ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, कुछ ऐसी वैल्यू मानेंगे जो आयत की लंबाई और चौड़ाई की, जिससे अपना जो ये जो तीन पार्ट में जो इसको डिवाइड करना, जो सेगमेंट करना है, इनको तीन सेगमेंट जो बनाने हैं लेंथ के, तो वो आसानी से बन पाए और अपना रेशियो आसानी से निकल पाए। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसकी लंबाई को मान लेते हैं 6 और जो इसकी चौड़ाई उसको मान लेते हैं 2। तो अब देखिए आप, अगर ये 6 है और AE बराबर है EF के और EF बराबर जो है FB के, यानी ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखिए आप, अब पूछ रहा है कि EFC यानी त्रिभुज EFC का जो क्षेत्रफल है उसका रेशियो निकालना है आयत जो है ABCD से। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × आधार × ऊंचाई यानी बेस × हाइट, और इसका रेशियो क्या निकालना है, तो क्या करेंगे, लंबा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी लंबाई इंटू चौड़ाई L × B। अब देखिए अपन इसमें जो फॉर्मूला में है जो मान रख देते हैं इनके, तो 1/2 × आधार, अब ये त्रिभुज EFC, ये त्रिभुज यहाँ पे EF और C, इसका आधार क्या हो जाएगा 2 और हाइट कितनी है, तो EFC की हाइट कहाँ से देखेंगे, तो EF ये आधार यहाँ से, ये यहाँ से आधार हो गया, इसकी हाइट ये इसका पीक पॉइंट यहाँ पे, तो ये जो हाइट हो गई ये इसकी हाइट होगी, यानी 2 इसकी हाइट होगी, इसका अनुपात L × B यानी L कितनी है, अब लेंथ कितनी आयत की, तो ये 2 2 2, ये तीन सेगमेंट है, यानी लेंथ इसकी 6 हो गई, तो 6 × चौड़ाई कितनी है 2। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यानी 1:6 अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दौड़ में एक विजेता दूसरे स्थान पर आए व्यक्ति को 10 मीटर से और तीसरे स्थान वाले व्यक्ति को 100 मीटर की दूरी से रहता है। तो तीसरे स्थान वाले व्यक्ति को 100 मीटर, यानी कि मान लेते हैं कि एक जो पूरी दौड़ थी वो 1000 मीटर की थी, तो जो पहला व्यक्ति जब 1000 मीटर पहुंचेगा तो उसने जो दूसरे व्यक्ति था उसको कितने मीटर से हराया, तो 10 मीटर से हराया उसको, तो वो पहुंचेगा कहाँ पे, वो 990 मीटर पे होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, जब वो 1000 मीटर की रेस है और वो जब उसने पूरी करी तो वो दूसरे व्यक्ति को अगर 10 मीटर से हरा रहा है तो 990 मीटर पर पहुँच चुका होगा, और तीसरे व्यक्ति को हरा रहा है 100 मीटर से, यानी जब वो 1000 मीटर कंप्लीट करेगा तब वो 900 मीटर पर होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, अगली बात कि जब दूसरे स्थान पर आया व्यक्ति जो है तीसरे स्थान वाले व्यक्ति को 91 मीटर से हरा था, यानी कि जब ये 990 से 1000 पे पहुंचेगा तो ये 10 मीटर यहाँ से ये कवर करेगा, और तीसरे व्यक्ति को कितने मीटर से हराएगा, 91 मीटर से, यानी कि जब ये 1000 पे पहुंच जाएगा तो तीसरे व्यक्ति को ये 91 मीटर से हराएगा, यानी कि ये 900 से 909 मीटर आगे आएगा, यानी ये जितने टाइम में 10 मीटर चला है उतने ही टाइम में ये 9 मीटर चला है। यानी अगर बात करें तो सेकेंड और जो थर्ड पर्सन है उनकी अगर स्पीड का रेशियो देखें तो 10:9 अपने को यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, अब ऑप्शंस तो देखते हैं, यहाँ से देखिए कि 1000 मीटर पहले आया पहला व्यक्ति, तो दूसरा था 990 पे और तीसरा था उस टाइम 900 पे, यानी कि अगर इन दोनों का रेशियो देखें तो 900 और 990, यानी ये तो
11:10 में आ रहे हैं, लेकिन अपने अपने को कौन सा रेशो चाहिए, 10:9, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 900, यानी जब पहला व्यक्ति 900 मीटर पूरी क्रॉस कर गया तो दूसरा व्यक्ति उससे 10 मीटर पीछे था, यानी कि वो था 890 पे, और उससे जो तीसरा व्यक्ति था वो 100 मीटर पहले था, तो मतलब तीसरा व्यक्ति रहा होगा 800 पे। तो इनका भी अगर रेशियो देखें तो 80:89, तो ये भी अपने 10:9 से मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो जब पहले व्यक्ति ने 910 मीटर की रेस कंप्लीट की तो जो दूसरा व्यक्ति था उससे 10 मीटर पीछे रहा होगा, यानी कि वो 900 मीटर पे था, और जो तीसरा व्यक्ति था, ये दूसरा व्यक्ति 900 मीटर पे और जो तीसरा व्यक्ति था वो कहाँ रहा होगा, तो वो 100 मीटर पीछे था, यानी कि वो 810 मीटर पे रहा होगा। अगर अपन इसको सॉल्व करें इस रेशियो को, तो 900 से ये कट गया 90 से 9 बार, और ये 90 से कट जाएगा 10 बार, यानी कि 10:9 अपना यहाँ पे मैच हो गया, यानी कि राइट आंसर 910 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक परिवार के बच्चों में प्रत्येक लड़के के उतने ही भाई हैं जितनी कि उसकी बहनें हैं, किंतु प्रत्येक लड़की के भाइयों की संख्या उसकी बहनों की संख्या की दोगुनी है, इस परिवार में कितने लड़के व लड़कियां हैं। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऑप्शंस की मदद से करना ज़्यादा इजी रहता है। तो चलिए पहला ऑप्शन उठाते हैं जिसमें है तीन लड़के, लड़कों को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 1, 2 और 3, और लड़कियों को ग्रीन से, तो 2 लड़कियाँ होगी। अब देखते हैं कि कंडीशंस मैच कर रही है क्वेश्चंस के हिसाब से। तो एक परिवार में बच्चों में प्रत्येक लड़के के उतने ही भाई हैं, यानी कि प्रत्येक लड़का, मान लेते हैं ये लड़का अपन ने लिया, उसके उतने ही भाई हैं, उसके कितने भाई हैं, 2 भाई हैं, जितनी कि उसकी बहनें हैं, ठीक है, 2 भाई हैं, उसकी 2 बहनें हैं, ठीक है, ये लाइन, ये जो ये कथन है ये मैच हो रहा है, किंतु प्रत्येक लड़की के भाइयों की संख्या उसकी बहनों की संख्या की दोगुनी है, यानी कि अगर ये लड़की है तो इसके भाई कितने हैं, 3, और उसकी बहनों की संख्या की दोगुनी, यानी उसके भाइयों की संख्या उसकी बहनों की संख्या की दोगुनी है, लेकिन यहाँ पे इसकी बहन 1 है, तो बहनों की संख्या हो गई 2, लेकिन इसके भाई तो 3 है, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड की। तो दो लड़के और 2 लड़कियाँ, तो एक परिवार के बच्चों में प्रत्येक लड़के के उतने ही भाई, यानी मान लीजिए ये एक लड़का है, उतने भाई हैं जितने की उसकी बहन है, तो एक भाई है प्रत्येक लड़के का, अगर इस लड़के की बात, इसका भी एक भाई है, और इसकी बात करें तो इसका भी एक भाई, तो उतने ही भाई हैं जितनी की उसकी बहन है, तो एक भाई है 2 बहनें हैं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। बात करते हैं तीसरे की। तो 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, अब देखते हैं, 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, 1, 2, 3, 4, और ये लड़कियां ग्रीन से, 1, 2, 3। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके कथन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये ऑप्शन सही है या नहीं। तो प्रत्येक लड़के के उतने ही भाई हैं, मान लीजिए ये एक लड़का है, उसके कितने भाई हैं, 3 भाई हैं, और जितनी उसकी बहनें, तो 3 ही बहनें, तो कथन अपना पहला एकदम सही हो गया यहाँ तक। किंतु प्रत्येक लड़की के भाइयों की संख्या, यानी अगर लड़की कोई सी भी देखे इनमें से, या ये हो या ये हो, या तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी, तो मान लीजिए ये लड़की है, तो इसके भाइयों की संख्या जो है ना, इसके भाई कितने होंगे, कोई सी भी लड़की हो, भाई सबके 4 होंगे, 4 हो गए, भाइयों की संख्या है 4, उसकी बहनों की संख्या की दोगुनी है, यानी कि उसकी बहनें कितनी हैं, 2, तो बहनों की संख्या की दोगुनी है, यानी ये भी स्टेटमेंट एकदम राइट है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट हो जाएगा, जिसमें 4 लड़के और 3 लड़कियां अपना राइट आंसर है। तो लास्ट में देखते हैं रिजल्ट डेट एंड कट ऑफ के बारे में। अगर बात करें कट ऑफ की, तो हमने चैनल पे एक डिटेल एनालिसिस का वीडियो बना दिया है और अपलोड कर दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कट ऑफ की वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बात करें अगर रिजल्ट की डेट की, तो 15 दिसंबर तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।